फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपके किन पांच गलतियों की वजह से आपके फोन की बैटरी खराब होती है और उसकी वजह से आपका स्मार्टफोन भी खराब होता है। सब्सक्राइब करिए ट्रायोटेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप देख रहे हैं ट्रायोटेक, नाम मत भूलिएगा। तो जो पहली गलती आप सब करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ कि आप अपने स्मार्टफोन को डायरेक्टली हीट के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव करते समय आपने अपना फोन डैशबोर्ड पे रखा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है आपका जो स्मार्टफोन है वो डायरेक्ट धूप के कॉन्टेक्ट में आता है, उसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी फूल सकती है और उससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी खराब भी हो सकती है। जैसे कि हम सब इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में स्मार्टफोन की बैटरी एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले कम चलती है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको रिकमेंड करती हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को हीट के कॉन्टेक्ट में मत आने दें। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी गलती आप सब करते हैं वो ये करते हैं कि आप चार्ज करते हुए अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे आपके फोन को कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी बैटरी को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, जब आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, चार्ज करते हुए आप जब उसको मल्टीटास्किंग करते हैं और अगर आप अपने फोन में इंटरनेट चला रहे हैं तो आपके फोन को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उससे क्या होता है आपका फोन हीट प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से आपको पता है आपके फोन की बैटरी और आपका फोन दोनों ही डैमेज होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो लिथियम आयन से बनी हुई होती है, तो वो हीट रेजिस्टेंट होती है, मतलब हीट उसको बर्दाश्त नहीं होती है, तो हीट की वजह से आपके फोन की बैटरी लाइफ भी कम हो सकती है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। आप अगर अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं तो हो सके तो उसको एरोप्लेन मोड पे लगा के या फिर उसको स्विच ऑफ करके ही चार्ज करें। तो फ्रेंड, जो तीसरी गलती आप सब करते हैं वो ये करते हैं कि आप किसी और चार्जर से अपने फोन को चार्ज करते हैं। सपोज करिए आपके फोन का चार्जर खराब हो गया तो आपने क्या किया, आप जाके अपने पास वाली लोकल शॉप से एक लोकल सा चार्जर उठा के ले आए, तो उस चार्जर से आप अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका फोन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और इससे पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके फोन का जैक भी खराब हो जाए। जैसे कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हम सबको बताती हैं कि हमें एक ऑप्टिमाइज्ड चार्जर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बैटरी को चार्ज होने के लिए उसको प्रॉपर अमाउंट का चार्ज चाहिए। और फ्रेंड, जो चौथी गलती आप सब करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को पूरा 100% चार्ज कर लेंगे, उसके बाद जब तक आप उसको तब तक चार्ज में नहीं लगाएंगे जब तक आपके फोन की बैटरी 0% ना हो जाए। तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने फोन को फुल 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, उसको केवल 80% ही चार्ज करना चाहिए। और जब हम अपने फोन की बैटरी को यूज कर रहे हैं तो हमारे फोन की बैटरी 20% पे आ जाने तक उसको दोबारा से चार्जिंग में लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके फोन की जो बैटरी लाइफ है वो हेल्दी बनी रहती है और आपका जो साइकिल है वो एकदम परफेक्ट चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, जो आप पांचवी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपने फोन को रात में चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हैं और आपका फोन रात भर चार्ज होता रहता है, सुबह तक आपका फोन चार्ज ही होता रहता है। तो इससे आपके फोन को हालांकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी वजह से आपके फोन को डैमेज होने का खतरा है, आपकी जो आईसी है वो चली जा सकती है। वो क्यों फूक सकती है, वो इसलिए फूक सकती है क्योंकि आपका फोन 100% चार्ज हो जाने के बाद आपके जो चार्जेस है उनको रिटर्न करने लगता है, रिटर्न करने के दौरान वो और एक्स्ट्रा चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, और अगर अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से आ जाता है तो उसको अचानक से उस चार्ज को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, उसकी वजह से आपका जो आईसी जाने का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप अपने फोन को जगते ही चार्ज कर लीजिए, सोने के बाद उसको चार्जिंग पे मत लगाइए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आप सबको फिर से रिमाइंड करा दूं जो पांच गलतियां आप सब करते हैं जिसकी वजह से आपका फोन और आपकी बैटरी दोनों को नुकसान हो सकता है। तो जो पहली गलती आप सब करते हैं, डायरेक्टली धूप से कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना है। दूसरी गलती जो आप सब करते हैं, चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को यूज नहीं करना है। तीसरी गलती, कोई और चार्जर आपको थर्ड पार्टी चार्जर यूज नहीं करना है। चौथा काम जो आपको करना है, आपको अपने फोन को 20-80% के बीच में ही रखना है। पांचवा काम आपको ये करना है कि आपको अपने फोन को रात में चार्जिंग पे लगा के नहीं छोड़ना है। और अगर आपने ये पांच गलतियां सुधार ली तो आप अपने स्मार्टफोन को और अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और अपने फोन को एक हेल्दी फोन बना के रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अमित मिश्रा सबसे मिलता हूं अपने फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई डबल ओ टेक, ट्राई ओ टेक चैनल का नाम है मेरे दोस्त।